Hello student, good morning. Welcome to the online class from Sivraj Children Academy with Bindu Singh. Aaj hum patang mein rang bharo aur paakshar likho. Okay? Aapko patang mein rang bharna hai aur paakshar ko likhna hai. Okay students? Paa se kitne shabd hote hain? Bahut saare shabd hote hain. Paa se patang, पास से पेंसिल, पास से वाला, पास से पपीता. ओके, सबसे पहले हम पतंग में रंग भरेंगे. ओके, लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, पास से पतंग में रंग भरो. पासे पतंग, पासे पपीता, पासे पालक, पासे पेंसिल. ओके, पासे पतंग, पासे पपीता, पासे पालक, पासे पेंसिल. ओके, पासे पपीता. आप लोग पासे पतंग, आप लोग पतंग उड़ाते हैं ना? पतंग कब उड़ाते हैं? जब खिचड़ी का मौसम आता है, मकर संक्रांति, इसको बोलते हैं. तो मार्केट में पतंग मिलती है और आप लोग घर लेके आते हैं और क्या करते हैं, पतंग को आप लोग उड़ाते हैं. उड़ाते समय सावधानियां भी रखनी चाहिए, नहीं तो आपका फिंगर कट जाएगा. ओके, क्योंकि उसके धागे बहुत ही खतरनाक होते हैं. ओके, आपको भी पतंग उड़ाते समय सावधानियां रखनी चाहिए, नहीं तो आपका फिंगर कट जाएगा. ओके स्ट्रेट, आपका फिंगर कट जाएगा तो आप पतंग कैसे उड़ाओगे? पतंग उड़ाते समय सावधानियां भी रखनी चाहिए. और आपको तो बहुत ही अच्छा लगता है पतंग उड़ाने में ना? यस, पासे पतंग. आपका ये कौन सा चित्र है? पेंसिल. पेंसिल से आप क्या करते हो? अभी तो आप छोटे हो तो पेंसिल से ड्राइंग करते हैं ना? पासे पेंसिल. पेंसिल से क्या करते हो आप? राइट करते हो, लिखते हो. किससे लिखते हो आप? पेंसिल से. अपनी नोटबुक में आप किससे राइट करते हो? पेंसिल से लिखते हो ना? पासे पेंसिल, पासे पेंसिल. पेंसिल से आप क्या करते हो? राइट करते हो. आप पेंसिल से लिखते हो ना? ओके, पासे पपीता. पासे पपीता, पपीता को आप लोग खाते हो. पपीता, पपीता किस कलर का होता है? पीले रंग का होता है पपीता. वो बहुत ही फायदेमंद होता है मेरे लिए. क्या? पपीता. पासे पपीता, पासे पपीता, पासे पपीता. आप लोग जो नहीं खाते हैं सबको खाना चाहिए. पपीते को, पपीता को
बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। पपीता किस कलर का होता है? पपीता पीले रंग का होता है। वासे पपीता वासे वैसे वासे पतंग वासे पालक होते ओके पासे पपीता पासे पपीता पासे पतंग पासे पेंसिल पासे पालक ओके पासे पतंग पासे पपीता पासे पालक ओके ओके स्टूडेंट्स पासे कौन सा अक्षर है पा पा पासे पतंग पासे पपीता पासे पैसे आइए अब हम इसका अक्षर लिखते हैं पासे पतंग में कौन कौन से अक्षर होते हैं पपीता में कौन कौन सा अक्षर होता है पालक में कौन सा अक्षर होता है और कौन कौन सा अक्षर होता है पेंसिल ओके पासे पतंग पासे पासे पेंसिल पासे पेंसिल पासे सॉरी पासे पासे पपीता पासे पपीता पपीता किस कलर का होता है पीले रंग का होता है पपीता पासे पपीता पासे पपीता पासे और कौन सा शब्द होता है पालक पासे पालक पालक का हम साग पालक को हम कई तरह से खाते हैं उसकी उसका पराठा होता है साग के रूप में खाते हैं और इसका जूस भी हम पीते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्थी भी फाइन होता है हमको बहुत ही ताकत देता है पालक ओके देखिए पासे कितने शब्द बने पासे पतंग पासे पपीता पासे पेंसिल पासे पालक ओके स्टूडेंट्स आपकी जो अक्षर ज्ञान की पुस्तक से है पेज नंबर 33 ओके पेज नंबर 33 ओके स्टूडेंट्स पा पासे पतंग पासे पेंसिल पासे पपीता यही मतलब पासे पासे पतंग के जो शब्द है गाने है उसको हम गाते हैं ओके स्टूडेंट्स पासे ऊंची उड़े पतंग है पतंग में कितने रंग बार फिर से गाते हैं पासे ऊंची उड़े पतंग है पतंग में कितने रंग ओके प्यारे बच्चों आपको अपनी पसंद उड़ाया है और देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर
बताएं